और हरियाणा में चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही उम्मीदवारों के चयन के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस में इस पर चर्चा हो भी चुकी है, जबकि बीजेपी की कल इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी बैठक होनी है। किसका चलेगा दांव, कौन जीतेगा हरियाणा में चुनाव? हरियाणा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जोर आजमाइश जारी है, रणनीतियां बन रही हैं, जिम्मेदारियां मिल रही हैं। कहीं नेता नाराज हो रहे हैं तो कहीं नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। कोई जा रहा है इधर तो किसी की नजर है उधर। पहले बात बीजेपी की, जो 10 साल से सत्ता में है और नए सीएम के साथ जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बीजेपी की प्लानिंग सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 22 और 23 अगस्त को हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। 24 अगस्त को बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक है, जबकि 25 अगस्त को राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है। बीजेपी की पहली लिस्ट 26 अगस्त तक आ सकती है। पहली लिस्ट में 25 से 30 प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। जल्दी आपसे शेयर करेंगे। इधर बीजेपी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। उधर लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीतकर कांग्रेस के भी हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस 10 सालों के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति के साथ साथ दावेदारों की उम्मीदवारी पर भी चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की 90 सीटों पर कांग्रेस में 2,556 आवेदन आए हैं। जाहिर सी बात है, इनमें से 90 उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को काफी माथापच्ची करनी होगी, जिसके प्रमुख वरिष्ठ नेता अजय माकन हैं। कांग्रेस की मुश्किल इन 2,500 से ज्यादा दावेदारों में से 90 उम्मीदवार चुनने की तो है ही, साथ ही अपनों की आपसी लड़ाई से निपटना भी कांग्रेस हाईकमान के लिए मुश्किलों से भरा है। हुड्डा कैंप की विरोधी मानी जाने वाली सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने खुलकर ताल भी ठोक दी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी इच्छा मेरी जगह है और अभी भी है। अपनी जगह फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है मैम। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना। कुमारी सैलजा बड़ी नेता है, दलित समाज से आती है, महिला है, सांसद है। अब अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो सीएम पद के स्वाभाविक दावेदारों में से एक होंगी। ऐसे में पार्टी हाईकमान के सामने हुड्डा कैंप परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा आम है कि कुमारी सैलजा और हुड्डा परिवार में बिल्कुल नहीं बनती और कैमरे के सामने भी दोनों गुट इसे छिपाने से नहीं हिचकते। अब चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए दिग्गजों की तकरार बड़ी या फिर कहें सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। 90 उम्मीदवारों में एक नाम कुमारी सैलजा का भी, ये तो हाईकमांड के ऊपर वो हाईकमांड तय करेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, ये मेरी इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने, हाईकमांड का आदेश हुआ लोकसभा और अब विधानसभा में भी हाईकमांड का जो आदेश होगा वो माने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।